इसका दल उसका दल, झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। किस पार्टी को 2019 के चुनाव में वोट देना चाहिए और किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छा काम करेगी, ये सवाल हम सभी के मन में है। और देश की सभी बड़ी पार्टियां भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के लिए जुट गई है। मित्रों, 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सारा विपक्ष आह्वान करता है एकत्रित आओ। और आज हम बताएंगे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टियों के बारे में, कांग्रेस और बीजेपी के राज में अंतर। तो आप देख रहे हैं मीडिया हिट्स और आज हम बताएंगे 10 डिफरेंट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी रूल इन इंडिया। नंबर 10, योग्य लीडरशिप। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस पार्टी की खासियत ये है, इस पार्टी में नेताओं और मंत्रियों को अपने अनुसार काम करने की आजादी नहीं है। इस पार्टी के सभी फैसले सोनिया जी और राहुल जी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की 10 वर्षों की सरकार में मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर उनके फैसलों में दखल देकर उनकी गुणवत्ता को बर्बाद कर दिया। एक समय ऐसा था जब मनमोहन सिंह कठपुतली पीएम के रूप में जाने जाते थे। इसके कई उदाहरण मिल सकते हैं। राहुल गांधी ने भरी सभा में मनमोहन सिंह के निर्णय को फाड़ दिया और इस निर्णय को बकवास बताया और इसे बदलने का भी आदेश दिया। मालूम आएगा नहीं कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री का चार्ट किसके पास है, देश को मालूम ही नहीं है। ये ऐसे ही चल रहा है देश। अरे किसके पास में चार्ज है वो भी मालूम नहीं। आपकी जानकारी के लिए, ऑल इन वन अभी चल रहा है दिल्ली में, फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री इंचार्ज प्रणब मुखर्जी, सारे चार्ज प्रणब मुखर्जी, खुद डिस्चार्ज। इसी के विपरीत बीजेपी में योग्यता अनुसार अपने फैसले लेने के लिए मंत्री और नेता आजाद है, जिसका उदाहरण सुरेश प्रभु, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, मनोहर परिकर, अमित शाह और राज्यों के सीएम अपने फैसले लेने और उसके इम्प्लीमेंट के लिए आजाद है, जिसके कारण एक अच्छा टीम वर्क दिखाई पड़ता है और जिसको जो काम सौंपा जाता है वह अपनी योग्यता अनुसार और तरीके से पूर्ण करता है। नंबर 9, सामान्य जरूरतें। आजादी को 70 साल हो गए हैं, पर इन 70 सालों में कांग्रेस लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाई। सबकी तो छोड़ो, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जिन दलितों और अल्पसंख्यकों का सहारा लेती हुई आई है उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाई और गरीबों का सहारा भी नहीं बन पाई। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। कांग्रेस ने अपने पूरे राज्य में घोटाले करना, घोटालों के लिए सफाई देना व अन्य धर्मों को तोड़ना व तुष्टिकरण की राजनीति की है। सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस इसमें सफल भी हुई है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव इसी आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। इसी कारण देश का ये हाल है और इसी कारणों से लोगों की मूलभूत आवश्यकता जैसे स्वच्छ जल, सफाई, शौचालय का निर्माण, बैंक अकाउंट, बीमा, शिक्षा व व्यापारों के लिए सुलभता, इतने वर्षों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाई और हमेशा कांग्रेस का जीतने के लिए एक ही मुद्दा रहा है जो आज भी है, देश हमारी पार्टी ने आजाद कराया है। हमारे पास एक कहावत है, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। तो पहले तो सबको आजादी दिलाई हमने, आप बचे हैं उसमें, आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, अब नाच रहे हो। दोस्तों, ये जरूरी है कि देश किसने आजाद कराया है, पर क्या ये जरूरी है? जिस पार्टी ने देश आजाद कराया है भारत उसके ही अधीन रहेगा, तो फिर देश आजाद कहाँ हुआ? अंग्रेजों का राज गया और कांग्रेस का राज आ गया। शायद इसी कारण गांधी जी ने भी कांग्रेस को खत्म करने को कहा था और देश की आजादी में कई लोगों ने बलिदान दिया है, जिसमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी में कभी भी शामिल नहीं थे। सभी अपने अपने तरीकों से विरोध से अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे। इसी के विपरीत बीजेपी राज में जब नरेंद्र मोदी शासन में आए तब लोगों की मूलभूत आवश्यकता, चाहे वो साफ पानी हो, सफाई हो, शौचालय का निर्माण हो, बिजली हो, बैंक अकाउंट हो, बीमा हो, शिक्षा हो, इन आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया और पूरा किया गया। कांग्रेस अपने इतने सालों के राज में गरीबों को शौचालय बनाकर नहीं दे पाई। जहां कांग्रेस राज में देश के कई गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई और ना ही गरीबों के बैंक अकाउंट बन पाए और ना ही स्वच्छ जल मिल पाया और ना ही गुंडागर्दी और माफियागिरी को बंद करके व्यापारों के लिए एक अच्छा वातावरण दे पाई। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, इज्जत की आपकी,
भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, सॉरी बलात्कार। आजादी के इतने सालों बाद भी कांग्रेस ने इन समस्याओं पर जोर नहीं दिया और बीजेपी राज में इन समस्याओं में बदलाव देखा गया और सारी व्यवस्थाएं की गई। नंबर 8, आदेश मुक्त आर्मी। कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह की सरकार में भारत पर एक के बाद एक कई सारे आतंकी हमले हुए। पाकिस्तान द्वारा एक के बाद एक सीमा पर कई सारे हमले किए गए। आतंकी हमलों के बाद सेना को इन हमलों का जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश का इंतजार करना होता था। आतंकी हमलों के बाद सेना को इन हमलों का जवाब देने के लिए आदेश होने की स्थिति में जवाब दिया जाता था और कांग्रेस द्वारा हर बार हर आतंकी हमले के बाद कड़ी निंदा की जाती थी, जैसे कि निंदा करने से आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे देश सुधर जाएंगे और हमला नहीं करेंगे। लेकिन आपको परेशानी है, आपको निर्णय करने नहीं है, आप डरते हो। मित्र, ये घटनाएं होती है जब ऐसी बयानबाजी होती है, इस प्रकार के जनाजे निकाले जाते हैं, चद्दरें ओढ़ाई जाती हैं, एक एक लाख रुपया चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर के आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो जाता है कि यार कुछ तो अपने रिश्तेदार यहाँ है, अपना काम चल जाएगा। इसके विपरीत बीजेपी गवर्नमेंट ने सेना को आदेश मुक्त किया है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा हमले की स्थिति में पाकिस्तान को जवाब देने की आजादी सेना को दी गई है, जिसके कारण सेना को सीमा पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए आदेश की जरूरत नहीं होती व दिल्ली में किसी नेता को फोन लगाकर आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार आतंकी हमले की स्थिति में सेना के हाथ खुले छोड़े गए। मिशन ऑल आउट इसी का एक उदाहरण है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कठोर कदम भी इसका एक उदाहरण है, जिसमें पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होकर कई सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया और कई सारे आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए गए। सेना की आजादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, और देश के सामान्य मानवी को रक्षा देने के लिए वो लड़ते रहे, वे सदा सर्वदा जागते रहे और हमें 125 करोड़ देशवासियों को हमारी सेना पर नाज है, हमारी सेना पर हमें गर्व है, उनकी वीरता पर गर्व है, उनके पराक्रम पर गर्व है, उनके बलिदान की गाथाओं पर गर्व है। नंबर 7, दंगे। दोस्तों, 2014 से पहले विपक्षी दलों के मुंह से एक बात सुनने को मिलती थी, नरेंद्र मोदी यदि पीएम बने तो या बीजेपी की सरकार बनी तो वे भारत में दंगे कराएंगे, ये मौत के सौदागर है, ये देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अगर ये सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को दबाया जाएगा, वगैरह वगैरह। आप हमारे भाषण सुनिए, आपको गुस्सा, क्रोध, किसी और की बुराई नहीं सुनाई देगी। हम प्यार से बात करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं, सिर झुका के बात करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की सोच, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। लेकिन अगर आप देश में दंगों का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे देश के अधिकतर और बड़े दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। 1970 जलगांव के दंगे, 1969 अहमदाबाद, 1980 मोरादाबाद, 1984 भिवंडी, 1985 अहमदाबाद, 1990 भागलपुर, 1990 हैदराबाद, 1993 मुंबई, 2013 मुजफ्फराबाद, 2012 असम, 2011 भरतपुर। इसी प्रकार सिख विरोधी दंगों में भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर का शामिल होना पाया गया। देश में कई सारे दंगे फसाद हुए कांग्रेस गवर्नमेंट के रहते। इसके विपरीत 2002 में गुजरात के दंगे हुए जो बीजेपी के राज में हुए, पर बीजेपी के राज में दंगों के कम ही उदाहरण मिलते हैं। एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट में दंगे भड़कने और मोदी सरकार के आने के बाद सांप्रदायिक दंगों में भारी कमी आई। गुजरात, जिसमें 2002 में बीजेपी के शासनकाल में दंगे हुए, उस राज्य में उसके बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। इसी प्रकार बीजेपी के शासनकाल में दंगे कम हुए हैं। कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई। उसी के विपरीत जो अल्पसंख्यकों और दलितों के उत्थान की बातें करते हैं, उनको अच्छी सरकार देने की बात करते हैं,
उनकी रक्षा की बात करते हैं। उनके ही राज में सबसे ज्यादा असुरक्षित रहे और मारे गए और उन्हीं के राज में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। ममता बनर्जी जो लगातार बीजेपी को कोसती रहती है, उनके बंगाल में भी बार बार दंगों की आग भड़कती रहती है। और जो लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हुए हैं और देश की ऐसी पार्टियां जो लगातार मोदी विरोध करती है और उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाती है, उनके राज में भी बीजेपी के राज से कई गुना अधिक दंगे हुए हैं। इसका उदाहरण आप समाजवादी पार्टी से भी ले सकते हैं। जिस यूपी में बार बार दंगे भड़कते थे, वहां अब दंगे कम ही सुनने को मिलते हैं। यह अब एक प्रमुख अंतर है बीजेपी शासनकाल और कांग्रेस शासनकाल व अन्य पार्टियों के शासनकाल में। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 6, आतंकवाद। कांग्रेस व यूपीए गवर्नमेंट में आपने कुछ विकास होता हुआ, विश्व में भारत का दबदबा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखा हो या ना देखा हो, पर हम ये बात दावे से कह सकते हैं, आपने एक चीज जरूर बढ़ती देखी या सुनी होगी, वो है भारत में आतंकवाद, बम ब्लास्ट। मनमोहन सिंह की सरकार में एक ऐसा समय था जब आए दिन ट्रेन में बम ब्लास्ट होते थे, मस्जिदों व मंदिरों में बम ब्लास्ट, भीड़ भरे इलाकों में बम ब्लास्ट और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे बड़े होटलों में शुमार, ताज और ओबेरॉय में 26/11 को होने वाला अटैक, 2007 में जयपुर बम ब्लास्ट, 2008 में दिल्ली बम ब्लास्ट, 2010 में वाराणसी में बम ब्लास्ट। हालात यह हो गए थे कि लोग महानगरों में बसने से पहले सोचने लगे थे, ट्रेनों के डब्बों में सफर करने से डरने लगे थे और इस पर कई सारी मूवी भी बनी और भारत को पाकिस्तान से कंपेयर किया जाने लगा। इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठनों द्वारा ली जाती थी, फिर भी कांग्रेस ने इन आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार आरएसएस व अन्य हिंदूवादी संगठनों को बताती रही और हर बार हमले के बाद प्रधानमंत्री इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दिखाई दिए, इन हमलों के जवाब में कुछ नहीं किया। अमरनाथ पर इतनी, अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं है। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है। मित्रों, गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे, मित्रों गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। इसी प्रकार आपने देखा होगा उरी में एक सैन्य शिविर में कुख्यात हमला हुआ, तो ज्यादातर लोगों ने पठानकोट में हुए हमलों के बारे में सोचा कि इस बार भी कड़ी निंदा होगी। कुछ दिनों पहले सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के संकेत दिए और पैरा एसएफ सैनिकों ने सीमा पार हमला किया और कई सारे आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें कई सारे आतंकवादी मारे गए। इसी प्रकार कश्मीर में मिशन ऑल आउट, जिसमें बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकवादियों को मार गिराया गया, और अब पाकिस्तान की ओर से आने वाले आतंकियों के आने का मतलब उनकी मौत है। यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रशासन और पुलिस ने बेहतर प्रबंधन किया। अब आतंकवादी आतंकी हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं, उनको पकड़े जाने या मारे जाने का डर रहता है। यह सब रक्षा में शामिल एजेंसियों के सक्रिय रूप से लगातार नजर बनाए रखने से और कार्य करने से हो रहा है, और यही बदलाव एक बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के शासन काल में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का दूसरा भाग भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और कमेंट कीजिए यस और नो में, और साथ ही लिख भेजिए आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। यदि आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ मसालेदार और कुछ जानकारी भरे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा, और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा।